जिस इलेक्ट्रिक कार का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो पेश हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी फ्यूचरो ई की। इस ऑटो एक्सपो 2020 में कंपनी ने फ्यूचरो ई कॉन्सेप्ट को शोकेस कर दिया है। खास बात यह है कि फ्यूचरो ई कार के साथ कंपनी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में भी एंट्री करेगी। और आज हम आपको नई फ्यूचरो ई कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को जरा भी मिस मत कीजिएगा। और आगे बढ़ें उससे पहले प्लीज आप हमारे चैनल रियल ऑटो न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप ऐसी ही फायदेमंद वीडियोस कभी मिस ना करें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फ्यूचरो ई को कंपनी की डिजाइन टीम ने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि एसयूवी कूप शेप वाली इस कॉन्सेप्ट कार से कंपनी मिड साइज एसयूवी से कुछ अलग कर रही है, ऐसा दिख रहा है। चलिए सबसे पहले लुक की बात करें तो फ्यूचरो ई की रियर विंड स्क्रीन पर शानदार रैक दिया गया है, जो कि इसे स्टाइलिश और स्पोर्टी लुक देता है। वहीं शार्प लुक वाला ग्लास हाउस और थिक सी पिलर फ्यूचरो ई के लुक को डिफरेंट बनाता है। स्टाइलिश यूनिक टेल लाइट्स इस बोल्ड कार के रियर लुक में चार चांद लगा देती हैं। मारुति सुजुकी की इस इलेक्ट्रिक कार में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले से कनेक्टिविटी के फीचर्स से लैस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। वहीं इसके फ्यूचरिस्टिक स्टीयरिंग के आगे डिस्प्ले दी गई है, जिसमें ड्राइवर और इंटीरियर के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं। ड्राइविंग रेंज की बात करें तो एक बार फुल चार्ज करने पर ये कार 200 किलोमीटर तक की रेंज देगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार 4 सीटर सीटिंग कैपेसिटी से लैस है। अब देखना ये है कि कार का प्रोडक्शन मॉडल इसके इस कॉन्सेप्ट मॉडल से कितना मिलता जुलता होगा। कीमत की बात करें तो जानकारों के मुताबिक मारुति सुजुकी फ्यूचरो ई की एक्स शोरूम कीमत 2.55 लाख रुपीज से लेकर 7 लाख रुपीज के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, आपको मारुति सुजुकी की फ्यूचरो ई कॉन्सेप्ट कार कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।